गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इन लास्ट वीडियो इन नरेशन आई हैव टॉट यू चेंजिंग द पर्सन। चेंजिंग द पर्सन में फार्मूला के बारे में बताए थे। फार्मूला आपका ये फार्मूला था सन बटे 123। इसका मतलब क्या था इसको भी बताए थे। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, टू का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कैसे कन्वर्ट होता है ये, कैसे कन्वर्ट होता है इसको भी बताए थे। चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड रूल, चेंज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और फिर मतलब चेंज द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कुड नॉट बी चेंज। सिंपल भाषा में लाइन में कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको जो है ऐसे नोट नंबर वन में लिखिए, नोट नंबर वन, चेंज चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, माई सेल्फ, we, us, our, ours, ourselves, total 10 हैं। change the first person pronoun according to subject, according to subject of reporting speech। यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो 10 तो हैं, 10 लिखे भी हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, बदलो। नोट नंबर टू, चेंज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जिनकी संख्या 5 है, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, टोटल 5 है। फिर चेंज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन according to object of reporting speech। यानी second person के pronoun को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, बदलो। थर्ड लास्ट नोट, थर्ड, चेंज इसको और इजी कर लीजिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वुड नॉट बी चेंज्ड। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वुड नॉट बी चेंज्ड, यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नहीं बदलेंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जांपल समझिए इसको,
जैसे he said to me कौन है मैट कमाओ you did not help me in your room। अब देखिए यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, होल रिकॉर्डेड स्पीच को देखेंगे। होल रिकॉर्डेड स्पीच ही बताएगा कि हमें कौन से रूल को फॉलो करना है। देखिए यू डिड नॉट हेल्प मी इन योर रूम, अभी सेंटेंस हमारा यू से स्टार्ट है, सब्जेक्ट स्टार्ट है, कैसा सेंटेंस हुआ, असर्टिव हुआ। असर्टिव सेंटेंस से कैसे मालूम हुआ, असर्टिव सेंटेंस इज द सेंटेंस से, असर्टिव सेंटेंस इज द सेंटेंस से व्हिच बिगिंस फ्रॉम सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ एनी पर्सनल प्रोनाउन ऑन एनी सब्जेक्ट। यानी असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो किसी भी पर्सन के सब्जेक्टिव फॉर्म से स्टार्ट हो या किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। वो सिंपल भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए ही और सेड टू टोल्ड हो जाएगा, सबको पता है ही टोल्ड मी। इस कामा और इनवर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन लगाएंगे दैट। इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम यही शुरू होती है, क्या पढ़ना है इस समय, चेंजिंग द पर्सन, पर्सन बदलना सीखना है। अब देखिए यहाँ पर पर्सन देखिए, यू पर्सन है, मी पर्सन है, योर पर्सन है, पर्सन बदलना सीखना है। देखिए यहाँ पर अब देखिए पर्सन के चार्ट, सबसे पहले पर्सन के चार्ट याद करना पड़ेगा। यू इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यू हमारा ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन would be changed according to object of reporting speech। और second person का जो pronoun होता है वो reporting speech के object के अनुसार change होता है। यानी you हमारा बदलते कमी के अनुसार की हो जाएगी, ये आई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए you से sentence start है, इसका मतलब you यहाँ पर subjective form है और है second person का है, second person का है तो बदलेगा object के अनुसार, object me है, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इस मे का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, आई कर दिया गया। इसके बाद देखिए यू डिड नॉट हेल्प मी, इस डिड और हेल्पिंग वर्ब, डिड और हेल्प यानी इस डिड हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब से स्पष्ट होता है कि दिस सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट इंडिफरेंट टेंस एंड अकॉर्डिंग टू नरेशन पास्ट इंडिफरेंट टेंस चेंज इन टू past perfect tense। ये हो जाएगा तो past perfect tense का helping verb क्या होता है, क्या हो जाएगा, had। I had not, help का third form helped, क्योंकि past perfect tense में always use third forms of verb। इसके बाद देखिए person फिर आगे आगे तो me, अब me हमारा है, पहले देखिए me किस person का pronoun है, first person का है, second person का है, third person का है। तो यहां पर देखिए कि मी जो है, मी इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन कहीं भी होगा इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो सब कैसे बदलेगा, वो सब बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी मी जो है बदलेगा ही के अनुसार, क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया, मी फर्स्ट पर्सन का है बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद देखिए मी लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ पर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हिम, हिम इन बदलेगा नहीं। इसके बाद देखिए योर पर्सन आ गया, योर देखते ही माइंड में आ गया होगा किस पर्सन का प्रोनाउन है, योर इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन वुड बी चेंज्ड according to object of reporting speech। और second person का pronoun
इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी रहेगा, उस बदले किसके अनुसार है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार है। तो यहाँ पर योर जो है इस मी के अनुसार क्या हो जाएगी, ये योर इज रिटन इन पजेसिव फॉर्म हियर, योर यहाँ पर पजेसिव फॉर्म लिखा है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इस मी का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, आई मी माई, क्या हो जाएगी, माई और आगे है रूम। ऐसे जो है पर्सन बदलते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, सी सेड टू हिम आई सेड हेल्प और सेंटर लीजिए ऊपर हेल्प है, आई सेड राइट ए बुक टू यू यहां पर सी यहां पर है, सी इसे टू और हो जाएगी ये टोल्ड, यहां पर देखिए डायरेक्ट में है इसका इनडायरेक्ट, सी टोल्ड हिम इस कॉमा और इनवाइट कॉमा को हटा करके लगाएंगे, यहां पर दैट लगाएंगे, दैट आई यहां पर आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन क्या है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार है, तो आई सी के अनुसार क्या हो जाएगी, ये सी हो जाएगा, सी तो आई सेल राइट ए बुक टू यू, सेल एंड राइट ये दो वर्ड स्पष्ट होता है कि दिस सेंटेंस इज रिटन इन फ्यूचर डिफरेंट टेंस, कि फ्यूचर में कोई भी टेंस हो, चाहे डिफरेंट हो, कंटिन्यूअस हो परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी हो, उसमें जो कन्वर्ट होता है सिर्फ उसमें क्या कन्वर्ट होता है, विल को वुड कर देते हैं और सेल को शुड कर देते हैं। तो यहां पर सी के साथ है, तो यहां पर सेल का शुड होता है, सेल क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर आई है, आई है इसलिए सेल लगा है, जब आई हमारा यहां पर सी हो गया तो यहां पर हम सेल नहीं मानेंगे, यहां पर हम मानेंगे विल, और विल के अनुसार यहां पर कर देंगे वुड, वुड सी वुड राइट ए बुक टू, देखिए यहां पर यू है, अब देखिए यहां पर यू सब्जेक्टिव फॉर्म भी सब्जेक्टिव फॉर्म होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है, तो कैसे समझेंगे कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यदि यू सेंटेंस के शुरू में होता, सेंटेंस के शुरू में यू लिखा होगा तो समझ लीजिएगा कि यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यदि यही यू सेंटेंस के मिडिल में या लास्ट में हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जो यू है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, बदलेगा हिम के अनुसार, ठीक है, बदलेगा हिम के अनुसार, जब हिम के अनुसार बदलेगा तो इसे हिम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर यू इज रिटन इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म हियर, क्योंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो भी यहाँ पर होगा उसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर देंगे, तो हिम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हिम होता है, इसलिए हो जाएगा ये हमारा ये हिम, तो क्या हो गया, सी वुड राइट ए बुक टू हिम, देखिए यहाँ पर ऐसे हमारा पर्सन बदला, आई हमारा सी के अनुसार सी हो गया, यहाँ पर टेंस बदला है, आई सेल का शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर जब पर्सन कन्वर्ट होकर सी हो गया तो यहाँ सेल नहीं माना जाएगा, बिल माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर वुड हो गया, राइट ए बुक और यू जो है ये सेकंड पर्सन का था, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर यू यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हिम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, हिम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा हिम, इतना है ये कि हाउ टू चेंज द पर्सन, ये पर्सन का परिवर्तन कैसे करें, तो इस तरीके से पर्सन बदलते हैं, सबसे पहले पर्सन का चार्ट आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल जवान में हो जाए, पर्सन बदलने का जो फार्मूला है उसको याद कर लीजिए,
पूरा याद करने के पश्चात जब प्रश्न बदलेंगे, एग्जाम्पल देख करके बदलिएगा तो धीरे धीरे प्रश्न बदलना आ जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद का जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।